जरा सोचिए अगर किसी बंदर के अंदर एच वायरस को इंजर्ट किया जाए तो क्या होगा क्या बंदर में एच का इंफेक्शन होगा या नहीं होगा आज की इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों विटनो ड्यूटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए जो सवाल आज हमारे दिमाग में आ रहा है सेम ऐसा ही सवाल जो है एक बार वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आता है और वो क्या करते हैं वो एच वायरस को बंदर के अंदर इंजर्ट करवा देते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर जो एच आई का जो इन्फेक्शन है वो बंदर को नहीं होता है जब वो इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि एक्चुअल में जो एच वायरस है वो बंदर की इम्यून सेल की के साथ फ्यूज तो करता है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता है यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि बंदर के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है इसका नाम है ट्रिम फाइव एल्फा ये जो ट्रिम फाइव एल्फा प्रोटीन है ये क्या करता है ये जो वायरस का जो कैप्सिड कोर है वो इसके साथ में बाइंड कर जाता है और जब ऐसा होता है तो ये जो कैप्सिट कोर है इसको ये जो प्रोटीन है बहुत ज्यादा स्टेबल बना देता है जिसकी वजह से होता है क्या है कि जो जो वायरस का जो कैप्सिड कोर था इसके अंदर जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था अब वो बाहर नहीं निकल सकता है और जब तक जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा बंदर की इम्यून सेल के साथ इंजर्ट नहीं होगा तब तक जो है एच का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है तो इस तरीके से जो बंदर का ट्वेंट फाइव एल्फा प्रोटीन है वो बंदर को एच के इन्फेक्शन से बचा लेता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है है कि सेम ऐसा ही ही प्रोटीन हमारी सेल के पास पाया जाता है। लेकिन उसके अंदर कुछ म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो जो प्रोटीन है एच आई कैप्सूल कोर के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं कर पाता है जैसे कि वो बंदर के अंदर कर रहा था तो इसीलिए जो एच वायरस है वो हमें तो इन्फेक्शन कर देता है लेकिन बंदर में वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह भी है कि जिन बंदरों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ओल्ड एज मंकी थे जो कि अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं जबकि जो न्यू एज मंकी जो कि मैक्सिको में और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं उनके अंदर एच का इंफेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है तो ऐसा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला तो प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार